हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रीना के संग। रीना के संग रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो दोस्तों, एक और ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शॉपिंग से, क्योंकि चैतन्य का है कल बर्थडे। तो चैतन्य के लिए कुछ कुछ शॉपिंग करनी है। तो चलिए मेरे साथ, हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं। पीछे चैतन्य के पापा खड़े हुए हैं बाइक में, मेरा वेट कर रहे हैं। और ये चैतन्य इज़ द बर्थडे गर्ल, कम हेयर बर्थडे गर्ल। तो कल इस बर्थडे गर्ल का बर्थडे है, तो उसके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो क्या लेना है? ओ, बाइक स्टार्ट हो गई। चलो, बाइक ने हमें बुला दिया, हम जल्दी चलते हैं और फिर मार्केट के लिए निकलते हैं। तो हाय फ्रेंड, हम लोग मार्केट से आ गए थे। तो शॉपिंग करते करते इतना टाइम हो गया कि रात के बज चुके थे 10। और आते ही मैंने काम शुरू कर दिया था। मैंने खाना वाना बनाया और फिर उसका बर्तन वगैरह जो भी नाइट रूटीन होता है वो। और ये पीछे सूख रहा है रेनकोट जितने के पापा का, इसे इग्नोर करो। तो आते ही मैंने काम वाम किया। और आपको पता है कि कल है चैतन्य का बर्थडे, तो आज रात को 12 बजे भी एक सरप्राइज़ होने वाला है। और कल की पार्टी तो होगी होगी, बट आज का सरप्राइज़ होने वाला है। तो सरप्राइज़ के लिए मैंने कुछ सामान यहाँ पे ला के रख लिया है चैतन्य के लिए, और केक भी ला के रख लिया है। तो जैसे रात के 12 बजेंगे तो हम करेंगे चैतन्य का बर्थडे सेलिब्रेशन। तब तक मैं कुछ अपने काम और निपटा रही हूँ। बस 11:30 हो गए, बस 10-15 मिनट और हैं अभी, बस उसके बाद केक कटिंग हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं ना शॉपिंग करते हुए, तो दिखा नहीं पाए। तो शॉपिंग थोड़ी बहुत कर ली है, थोड़ी बहुत बची हुई है, वो हम बाद में देखेंगे। बट ना बहुत टाइम लग गया वहाँ पे, इतनी गर्मी थी, इतना रश था, हम वैसे ही रात को लेट हो गए थे जाते जाते। तो जो भी पसंद आया ले लिया। और बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो फाइनली चैतन्य 12 ईयर की कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ये बहुत खुशी का दिन है। वो कभी कोई डिमांड नहीं करती, मेरी इतनी अच्छी बेटी है ना, इतनी अच्छी बेटी है कि वो कभी कोई डिमांड नहीं करती कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ऐसी पार्टी चाहिए, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, कुछ नहीं। क्योंकि उसके पापा उसका इतना ख्याल रखते हैं कि उसके बर्थडे से पहले उसे गिफ्ट दे देते हैं। जैसे हम आपको देखा ही आपने कि हम अपना डॉग लेके आए हैं, पपी लेके आए हैं उसके लिए, क्योंकि उसको बर्थडे में गिफ्ट में ऐसा पपी चाहिए था तो वो भी आ गया है, टीवी चाहिए था वो भी आ गया है। और छोटे मोटे गिफ्ट तो आते ही रहते हैं, उसके तो कोई काम गिनती नहीं है। इसके पापा कहीं भी जाते हैं ना, उन्हें कपड़े पसंद आ जाते हैं तो चैतन्य के लिए कपड़े ले लेते हैं। बट वो कभी कोई डिमांड नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी हम उसके सारी इच्छाएं जो है वो पूरी कर देते हैं, तो वो डिमांड क्या करेगी फिर। इसलिए उसको हर दिन एक जैसा ही लगता है। तो अभी सरप्राइज़ करने वाले हैं, बस 10-15 मिनट ले गए, तब तक मैं ऊपर जाके सेटअप करती हूँ। टीवी देखने भी सोई नहीं है, तो चलते हैं ऊपर। तो फ्रेंड, यहाँ पे है हमारे पीछे है बर्थडे गर्ल, और बर्थडे गर्ल कुछ देख रही है। मैं आपको देखिए दोस्तों, ये है बर्थडे गर्ल। और बर्थडे गर्ल यहाँ पे क्या देख रही है? डोरेमोन। अब तो भला होला है, अभी भी डोरेमोन देख रहा है। तो कल तो बर्थडे है प्रिंसेस का। हैप्पी, कल तो हमारी प्रिंसेस का बर्थडे है। और यहाँ पे चल रहा है चैतन्य का डोरेमोन, बस 12 बजने ही वाले हैं। तो फ्रेंड, ये है केक, मैंने लगा दिया है, 12 बजने में 2-3 मिनट है बस, उसके बाद हो जाएगा चैतन्य का बर्थडे। तो फ्रेंड, काउंट डाउन शुरू है। 5, 4, 3, 2, 1, गो! हैप्पी बर्थडे चैतन्य, हैप्पी बर्थडे। मम्मा के पास आओ जल्दी 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 जल्दी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मतलब बच्चा मम्मा से भी बड़ा हो गया था हाइट में। हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। बर्थडे है आज, ये पापा पर प्रॉपर नाइट ड्यूटी में है ना। कल पापा के साथ पार्टी करेंगे। सॉरी, देखो गाइस, मैं इतनी बहुत लंबी हो गई मम्मी से, मैं 6। देखो मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अब देखो, हैप्पी बर्थडे, इधर देखो मोटू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे,
हैप्पी बर्थडे चैतन्या। तो दोस्तों आज है हैप्पी वाला बर्थडे हमारी डॉल का। हैप्पी बर्थडे। तो मैं कुछ लेके आई हूँ चैतन्या के लिए गिफ्ट। ये तो है पिज्जास, तो पिज्जा को रख देते हैं यहाँ। और ये रहा गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे। तो ये है हमारी चैतन्या का हैवी हैवी गिफ्ट। ओहो, तो ये रहा चैतन्या का बर्थडे गिफ्ट। तो फ्रेंड घर पे बस हम दोनों हैं, हम दोनों माँ बेटी बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है, नहीं चैतन्या? बहुत अच्छी। क्योंकि हमारा मोमो को तो भूले गए, मोमो नीचे है। तो ये जो मम्मी डॉटर की जो तो जोड़ी होती है ना, A1 होती है ना? तो हम पर्सनल अपना स्पेस शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो सिर्फ अभी मेरी और चैतन्या की जो है वो पार्टी होने वाली है और साथ में हमारा मोमो भी है। तो लगाते हैं केक और केक कैंडल जलाते हैं, चैतन्या केक कटिंग करेगी अभी, है ना चित्तू? हाँ। ये है हमारी चैतन्या का ब्यूटीफुल सा केक। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Chaitanya, happy birthday to you. अब कट करो। ये पिज्जा भी है। Happy birthday! क्लैप करो भी सब लोग चैतन्या के लिए। हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग, भगवान आपको बहुत 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 लंबी उम्र दे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पूरा। ये भी रुको रुको, ठहरो जरा, रुक कर जरा। हैप्पी बर्थडे। ये तो मेरे बच्चे का बर्थडे है आज। नहीं खाने के लिए नहीं, फेस नहीं चाहिए। छूना छूना लाडेश्वर, छूना छूना प्रिंसेस। कैसा लगा केक? बहुत अच्छा, यमी यमी, टेस्टी टेस्टी। यस, इसकी ब्रेड बहुत ही अच्छी है दोस्तों। मजेदार केक है ना, पाइनएप्पल वेज केक है और हम वेज केक लाते हैं, बहुत मस्त केक होता है। तो चैतन्या का बर्थडे है, उधर गिफ्ट पड़ा हुआ है, इधर हम पिज्जा खाएंगे। ये यम। तो दोस्तों चैतन्या का बर्थडे शुरू है आज रात से। आज भी पार्टी होगी, कल भी पार्टी होगी, पूरे मंथ पार्टी हो रही है चैतन्या के बर्थडे की ना। और चैतन्या का सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट कहाँ गया? ये मोमो। तो ये है चैतन्या का सबसे बड़ा गिफ्ट। इसको हम ऊपर अभी इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि ये ऊपर ना केक गिरा देगा, है ना? है ना? तो इसको हम मीठा नहीं देते हैं। मोमो को हम थोड़ी देर में ऊपर ले जाएंगे, ये कह रहा हमें ऊपर, मुझे ऊपर ले चलो। तो मोमो को तो पहले हम ये सब खाएंगे, है ना? चैतन्या तो लगी हुई है मजेदार खाने में। भाई बर्थडे तो ऐसे इंजॉय होना चाहिए, फेंकते फूकते नहीं है हम केक। हम रिस्पेक्ट करते हैं फूड की, मजे से खाते हैं और इंजॉय करते हैं, है ना? गाइस एक टिप है कि अपने बर्थडे में फालतू गिरी नहीं करना चाहिए, मतलब कि अपने दोस्तों के सर पे फोड़ दिया अच्छा नहीं होता। और हमारे जो फूड की माता है वो भी गुस्सा होती है उस चीज से। इट्स गुड कि आपका बर्थडे, पर आपको अपना खाना पूरा वेस्ट नहीं करना चाहिए, पूरा खाओ जितना खा सकते हो और अपने बाकी फ्रिज में रख दो। और अपने बर्थडे को अपने पेरेंट्स के साथ सबसे पहले सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, दोस्तों के साथ में करो, बट पेरेंट्स को भी प्रायोरिटी दो ना। तो मेरा सोना बच्चा तो हमेशा हमारे साथ मनाता है ना? तो मस्त है गाइस। तो फ्रेंड चैतन्या तो टेस्ट में खो गई है, मस्त है, बहुत मस्त, मजा आया। यस। तो मैं भी चैतन्या का केक खा लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं, केक और पिज्जा खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। पिज्जा और केक की पार्टी होगी अब हमारी दोनों माँ बेटी, और हम लोग मूवी नाइट करने वाले हैं। मूवी देखेंगे ना? यस गाइस। आज तो वैसे ही कौन सी आई है मूवी? बहुत सारी आई हुई है। गदर 2 तो हम देख चुके हैं, अब देखते हैं हम कौन से देखेंगे, क्या पता हम वेब सीरीज भी देख ले, है ना? तो दोस्तों चैतन्या ने अपना गिफ्ट खोल लिया है जिसको मैंने दिया उसको। कैसा लगा? मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। माय गॉड, मेरे को यही चाहिए था दोस्तों।
क्या है, क्या दिया है आपकी मम्मा ने? आर्ट सप्लाईज और अच्छी स्टेशनरी। तो चेतना को मैंने दिया है आर्ट सप्लाई स्केचिंग के लिए। ये इसको स्केच बनाना, ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है स्केचिंग, तो इसीलिए मैंने इसको सारी स्केचिंग की किट ला के दी है। छोटी छोटी चीज़ें जो जो उसको चाहिए थी सब मिला के एक परफेक्ट किट बनाई है। कैसा लगा चेतना? बहुत थम्स अप। सबसे बेस्ट गिफ्ट अभी तक का? हाँ। ये क्या है? छोटी सी ये है डायरी, दिखाओ। इसमें तुम अपने नोट्स वगैरह बनाना, ठीक है, दिखाओ। और वैसे नोट्स नहीं, इम्पोर्टेंट नोट्स, ये देखो, इधर दिखाओ फ्रेंड। ये है इसकी यूनिकॉर्न डायरी मैंने दी गाइस। फन फैक्ट, ये पेन काम नहीं कर रहा। कोई नहीं, डायरी तो बहुत मस्त है। ये छोटी सी मिनी, बहुत अच्छी बॉटल बनाई, ये मिनी डायरी दी है मैंने इसके लिए। और बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं, पेंसिल्स हैं आर्ट सप्लाईज की, वो मैंने इसको दिए, इसको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं ये चीज़ें। और फोल्डर जो भी ये आर्ट बनाएगी इसमें रखेगी, ठीक है। डन, हैप्पी? अब कल तो हम पापा के साथ पार्टी करने वाले हैं, क्योंकि कल मतलब कल के आज का दिन हो गया, क्योंकि 12 बजे से ज़्यादा ऊपर का टाइम हो गया है, तो चेतन का बर्थडे जो है स्टार्ट हो चुका है। तो ये फर्स्ट गिफ्ट, फर्स्ट तो नहीं, थर्ड गिफ्ट मिला है ना, अगस्त जब से लगा तब से चेतन का थर्ड गिफ्ट हो गया। अब इसमें चेतन अच्छी अच्छी स्केच बनाएगी। आज एक अच्छी सी स्केच बनाओ, कल सुबह दिखाएंगे फिर, है ना? तो फ्रेंड चेतन्या अभी बनाएगी यहाँ पे स्केचेस, और रात हो चुकी है। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब तक के लिए इतना। रीना के संग रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हैप्पी बर्थडे चेतन्या को फिर से वंस अगेन। मम्मा को किच्ची कर लो, किच्ची। तो हमने पार्टी कर ली है, हमारा सब कुछ हो चुका है। अब चेतन्या कुछ आर्ट बनाएगी और मैं सो जाऊंगी, फिर आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि उसने क्या बनाया। और कल हम करने वाले हैं धमाकेदार पार्टी चेतन्या के बर्थडे की। तो आज तक के लिए बाय, और चेतन्या के लिए अच्छे अच्छे हैप्पी बर्थडे विशेस डालिए फटाफट फटाफट। तो गुड नाइट, गुड नाइट बोल दो बेटा। गुड नाइट फ्रेंड्स।